किसान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना सन 1975 में स्वर्गीय श्री नर नारायण मारोदिया जी ने कोलकाता में की थी। शुरुआती वर्षों में यह कंपनी जूट बीजों के व्यवसाय से जुड़ी थी। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए यह बेहतरीन बीजों का निर्माण कर रही है। ये कंपनी अलग अलग फसलों के 20,000 मेट्रिक टन बीजों के उत्पादन के साथ 15,000 मेट्रिक टन बीजों की भंडारण क्षमता रखती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और उड़ीसा यानी देश के 8 राज्यों में पान सीड्स कार्यरत है। पान सीड्स आज अपने एमडी श्री आलोक मारोदिया के मार्गदर्शन में बीज उद्योग में एक ब्रांड के रूप में उभरी है। फसल के तैयार होने के हर स्तर पर हमारी प्रोडक्शन टीम के स्टाफ खेतों का नियमित दौरा करते हैं। बीजों की बुआई से लेकर उनकी थ्रेशिंग तक हमारी टीम निगरानी रखती है। इससे हमें अलग अलग किस्मों को बनाए रखने में मदद मिलती है और नतीजा ये होता है कि किसानों के खेत में ऑफ टाइप परसेंटेज बहुत कम होता है। बीजों को सही तरीके से सुखाया जाता है ताकि उनकी नमी बनी रहे। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से बीजों की सफाई करके हर प्रकार की अशुद्धि को आधुनिक स्वचालित मशीनों के द्वारा हटा दिया जाता है। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से एयर कंडीशन्ड चेंबर्स में स्टोर किया जाता है। बीजों के बनने की प्रक्रिया के अलग अलग दौर में धान के हर एक लॉट की गुणवत्ता की बहुत सारे तरीकों से जांच की जाती है ताकि धान के सर्वोत्तम बीज तैयार हो सके। पान सीड्स को इस बात का गर्व है कि वो ऐसी ईस्टर्न इंडिया सीड्स कंपनियों में से एक है जिसके पास अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का विभाग है। इस कंपनी में उच्च कुशलता वाले कर्मियों को स्थान दिया गया है और लगातार नए तरीकों से नई किस्मों की खोज कर रही है ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही बढ़ोतरी हो। बनी है विशेषज्ञों की एक योग्य और उत्साही टीम जो कंपनी को लेकर आगे बढ़ेगी इसके सोचे गए रास्ते पर। हमारी कंपनी का लक्ष्य है बेहतर बीज, बेहतर जीवन। मैं अपने पान सीड्स के टीम मेंबर्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि मेहनत करो जिससे कि किसान को हम अच्छा बीज दे सके। अच्छा बीज देंगे तो उसके जीवन में खुशहाली आएगी, उसके जीवन में खुशहाली आएगी तो अपने जीवन में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के जीवन में, हर आदमी जो अपने से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी। पूरे देश में फैले हमारे 300 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पान सीड्स तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है और पिछले 4 सालों में इसकी विकास दर रही 30% से भी ज्यादा। अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच बनाने के अपने मार्केटिंग उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके साथ मीटिंग, क्रॉप शो यानी फसलों की प्रदर्शनी, माइक द्वारा प्रचार आदि का नियमित आयोजन किया जाता है। कंपनी का लक्ष्य है कि अभी की इस प्रक्रिया को एक कस्टमर केयर सर्विस के साथ और भी कुशलता के साथ आगे बढ़ाया जाए जो 24 घंटे और 7 दिन ग्राहकों की शिकायतें सुने और 48 घंटे के भीतर उनका निवारण करे। इसके लिए नियमित स्टाफ खेतों में जाकर सीधे किसानों से मिलते हैं और फसलों की जांच करते हैं। पान सीड्स ने सब्जी बीजों के क्षेत्र में भी कदम रखते हुए पहला प्लांट बनाया 1993 में कोलकाता के समीप फतेहपुर में। 1998 काम शुरू हुआ धान के बीजों पर और दूसरा प्लांट बना सन 2000 में बंगाल के बर्दवान में। सन 2004 बर्दवान में ही बना हमारा पहला अनुसंधान और विकास विभाग जिसे साल 2010 में DSIR रिकॉग्निशन का पुरस्कार मिला। उसी साल हमने प्रस्तुत की अपनी पहली हाइब्रिड वैरायटी। साल 2014 में बर्दवान में निर्माण हुआ विशाल R&D कॉम्प्लेक्स का। 2015 कंपनी ने मक्का बीजों के निर्माण में भी कदम रखा
और मिदनापुर में स्थापित किया अपना तीसरा प्लांट। एक सफर जो शुरू हुआ था 40 साल पहले, वो और आगे बढ़ रहा है कामयाबी की नई मंजिलों को छूने के लिए। पान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड,